मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चे एक तारीख से आपकी कक्षा दसवीं और कक्षा बारहवीं की जो वार्षिक परीक्षा है वो स्टार्ट होने वाली। तो आपको मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि आपके अंदर थोड़ा भी सा डर होगा, थोड़ा सा भी खौफ का माहौल होगा। तो उसी डर को, उसी खौफ को हम जो है रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए बेटा, दूर करने के लिए, भगाने के लिए, आपको सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बेटा टीम अभिप्सा लेके आई है। टीम अभिप्सा बेटा जो एग्जाम सीरीज लेके आई, उस एग्जाम सीरीज के अंदर क्या होगा सर, उस एग्जाम सीरीज के अंदर ना बेटा आपको ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि ब्लू प्रिंट के हिसाब से होंगे। क्या बोला बेटा, जो आपको ऐसे क्वेश्चन हम करा रहे होंगे जो ब्लू प्रिंट के हिसाब से होंगे। और क्या होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले। क्या बेटा सर, हम यहाँ पे क्या कराने वाले हैं, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं। और बच्चे इसके साथ हम करने वाले बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं ना, जो आपके बोर्ड के अंदर जब एग्जाम में बैठे रहो तो हमारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आए होंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहां से कराने वाले बेटा। तो आपको जो ये जो सेशन है, ये जो सीरीज है बेटा, पूरा ओवरऑल जो सीरीज है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप जो कक्षा दसवीं और कक्षा बारहवीं के विद्यार्थी होंगे तो आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है बेटा। क्या है अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए आपको जो क्या करना होगा, तैयार होना पड़ेगा। आपके लिए वो जज्बा जो है आपके अंदर आना चाहिए कि आप इस एग्जाम सीरीज से अच्छे से जो है तैयारी कर पाओ। बेटा सिर्फ आपको हार्डवर्क करना है, हम आपको स्मार्ट बनने की जिम्मेदारी लेते हैं। आपको सिर्फ हार्डवर्क ही करना है और कुछ नहीं करना है। आपको हमारे नोट जो है प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, सारे लेक्चर्स देखने, अपने ये जो वीडियो है, ये सारे जो सीरीज है बेटा, ये चैनल है, उसको आपके दोस्तों तक, आपके फैमिली तक, आपके बेटा पूरे पुराने दोस्त तक, स्कूल तक आपको ये फैला के रखना है। क्या करना है बेटा, फैलाना है, आपको सपोर्ट करना है, आपको सिर्फ बेटा सपोर्ट करना है। हम सारे वीडियो, सारे लेक्चर, सारे कंटेंट बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के अंदर देने वाले हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और साथ ही साथ बेटा आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। क्यों बच्चे, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे चीजें करने वाले बेटा, जो एग्जाम्स के अंदर हम बिल्कुल आपका जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। तो ध्यान सुने बच्चे, एग्जाम सीरीज लेके आए, तो एग्जाम सीरीज में हम क्या करेंगे सर, एग्जाम सीरीज में सबसे पहले जो तरीका अपने अपनाया था बेटा, सबसे पहले जो पढ़ाव अपन ने अपनाया था वो था बेटा ब्लूप्रिंट। हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर ब्लूप्रिंट कर लिया था। इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं सर, तो इस लेक्चर के अंदर बेटा हम लोग जो स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले। क्या बेटा, स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले। एक रणनीति होती है, जब आप कहीं घूमने जाते हो, जब आप ट्रेवल करते हो, तो उस ट्रेवल करने के टाइम पे आप एक प्लान बना रहे होते हो। क्या कहते बेटा, प्लान बनाते हो, उस प्लान को ही हम स्ट्रेटजी नाम दे दिए हैं। तो स्ट्रेटजी में क्या करने वाले सर, स्ट्रेटजी जैसे कि आप रुकते हो, आप घूमने गए तो वहां पे किसी प्लान बनाए कि हम यहां पे रुकेंगे, हम इस जगह पे जाके थोड़ा टाइम के लिए खाना खाएंगे। तो आपके आप जब घूमने जाओगे तो वहां पे प्लान रहता है। उसी तरीके से बेटा हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हमारा भी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारा भी एक प्लान होना चाहिए कि हम कैसे काम करेंगे। तो उसी प्लान को आज लेके आया हूं बेटा, आपके सामने डिस्क्लोज करने वाला हूं। ध्यान से सुना बेटा, हम जो आज के लेक्चर में बेटा स्ट्रेटजी करने वाले हैं, स्ट्रेटजी। तो बात करूं बेटा, मैं बात करूं अगर केमिस्ट्री की बात करूं, तो मैं बेटा केमिस्ट्री यहां पे डील करने वाला हूं। कक्षा बारहवीं का जो केमिस्ट्री है पूरा का पूरा मैं यहां पे करने वाला हूं हैंडल। कोई दिक्कत की बात नहीं, सारे तरीकों को मैं यहां पे अपनाने वाला हूं, सारी चीजें मैं आपके लिए करने वाला हूं, आपको नोट्स भी देने वाला हूं, वो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे बच्चे, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको देने वाला हूं बेटा। आपके और मेरे के मेरे बीच में जो केमिस्ट्री होने वाली है वो बहुत स्ट्रांग होने वाले, क्योंकि मैं इस हद तक आपको केमिस्ट्री कराने वाला हूं। जैसे स्ट्रांग बॉन्ड की बात किया बेटा, तो आयनिक बॉन्ड की तरह, क्या आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध जिसे बोलते हैं, उस बंध की तरह बेटा हम लोग की जो है बॉन्डिंग हो रहे हैं। आपकी और मेरी जो बॉन्डिंग होने वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करें बेटा, जो हमारे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के तीन पोर्शन होते हैं, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी डिस्क्राइब किया था, यहां पे भी वापस से बता देता हूं, आपको जो समझने में बहुत इजी होगी, ध्यान समझना बेटा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे जो पहले के आपके जो है स्टार्टिंग के जो पांच चैप्टर आते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन होते हैं। इसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं सर, इसके अंदर ना बच्चे आपको टोटल ओवरऑल 8 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, 8 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, और 8 क्वेश्चन में बेटा आपको 23 अंक मिलेंगे। कितने बेटा, 23 अंक मिलेंगे। उसी प्रकार बच्चे आपके चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 10 तक, मतलब टोटल 4 चैप्टर, क्या बात किया बेटा, टोटल 4 चैप्टर को बोलते हैं बेटा अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री ना बेटा बहुत ईजी है, बहुत लड्डू है, बहुत हलवा है, आपको मजा आ जाएगा करने में, ध्यान समझना, ठीक है बच्चे। तो अकार्बनिक रसायन के अंदर बेटा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 6 पूछने वाले, कितना बेटा 6 क्वेश्चन पूछेंगे, और जो है यहां से 19 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने बेटा, 19 नंबर के, 6 क्वेश्चन में 19 नंबर मिलेगा, और मैं 6 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिससे आपको 19 नंबर मिल पाए, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रिपरेशन करने वाले हैं, अपनी स्ट्रेटजी बनाने वाले बच्चे, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा कोई करके, ठीक है। आप प्रॉपर जो बेटा कॉपी पेन, एक स्पेशल नोट्स बनाइएगा सारे सब्जेक्ट का,
ठीक है, इवन मेरा भी, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का नोट बनाइएगा, उस नोट्स के अंदर ये प्रॉपर जो स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक है, ब्लैंक पेपर लेना, उस पेपर के अंदर सारी स्ट्रेटजी बनाना कि मैं कौन से टाइम पे कौन कौन सी सब्जेक्ट करने वाला हूं या फिर करने वाली हूं, ठीक है बच्चे। तो आपको क्या ना स्ट्रेटजी बनानी, जैसे मैंने स्ट्रेटजी बनाई उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो आप, एकदम ब्लाइंडली फॉलो करोगे बेटा, मैं आपको सारे कंटेंट देने की जिम्मेदारी लेता हूं। तो ध्यान समझना बेटा, यहां पे कार्बनिक रसायन होगा, तीसरा जो पोर्शन होता है बेटा वो होता है कार्बनिक रसायन, सॉरी यार इन अकार्बनिक रसायन, ये होता है बेटा अकार्बनिक रसायन, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे आपको केमिकल लोचा होता है, जहां पे बच्चों को सबसे ज्यादा दुख होता है, दर्द होता है, कष्ट देता है, वो होता है बेटा कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन बेटा बहुत इजी होता है, ध्यान समझना, ठीक है। कार्बनिक रसायन के अंदर बेटा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 पूछ रहे होंगे, आप बच्चे सोच रहे होंगे कि नंबर सर यहां पे 12 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछ रहे होंगे, तो ध्यान समझना बच्चे, ये 12 क्वेश्चन में से जो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन जो है, 4 क्वेश्चन ये एमसीक्यू है, क्या बेटा एमसीक्यू, एमसीक्यू होता है बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न जो बेटा 4 है। अब 4 बज गए भैया, कितना हुआ 4 गए तो कितना हुआ 8 हुआ, ठीक है 8 हुआ, तो 8 क्वेश्चन है बेटा ये, तो आपको जो है थ्योरी से आएंगे, कितने बेटा थ्योरी, इसके अंदर भी मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि 8 क्वेश्चन में आप इजी जो है हैंडल कर पाओगे एग्जाम के अंदर, ऐसे हम क्वेश्चन डील करने वाले बेटा, ठीक है। ये तो सारी सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको चैप्टर के नाम ही नहीं पता है, ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको चैप्टर के नाम ही नहीं पता होंगे, तो ध्यान समझना बेटा, पहला जो चैप्टर होने वाला है आपके भौतिक रसायन का, वो होने वाला है बेटा, क्या होने वाला है, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट जिसे बोलते हैं, ठीक है, ठोस अवस्था के बाद विलयन, तीसरा जो चैप्टर होता है बेटा वो होता है भौतिक रसायन, चौथा जो चैप्टर होता है बेटा वो होता है रासायनिक बल गतिकी, क्या होता है बेटा रासायनिक बल गतिकी, और पांचवा वाला जो चैप्टर होता है बेटा सरफेस केमिस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं सतह रसायन, ठीक है। इस तरीके से बेटा आपके टोटल ओवरऑल फिजिक्स जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके अंदर 5 चैप्टर आते हैं, कितने 5 चैप्टर, ठीक है 5 चैप्टर आ रहे होंगे, ठीक है बच्चे। अब इसके जो है थोड़े और आगे बढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा टोटल ओवरऑल 4 चैप्टर ही आते हैं, कितने 4 चैप्टर आते हैं। इस 4 चैप्टर में पहला जो चैप्टर होगा बेटा वो धातु कर्म, जिसे आप बोलते हैं तत्वों का निष्कर्षण एवं प्रक्रम, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में धातु कर्म बोला जाता है, मेटलर्जी बोली जाती है, ठीक है। तो मेटलर्जी की बात करेंगे, उसके बाद बेटा हम लोग पी ब्लॉक, बहुत ही प्यारा चैप्टर पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, और उसके लास्ट में बेटा उपसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये हम करने वाले हैं। उसके बाद जो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आओ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चे हम जो टोटल ओवरऑल 7 जो चैप्टर कर रहे होंगे, कितने बेटा 7 चैप्टर कर रहे होंगे, 7 चैप्टर में बेटा पहला जो चैप्टर होने, मतलब पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला जो 12th का चैप्टर, ठीक है, वो होने वाला है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और बच्चे यहां पे जो है उसके बाद एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ऐसे चैप्टर करने वाले हैं। साथ ही बेटा हम लोग एमीन भी करने वाले हैं, एमीन जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, एमीन जिसे बोला जाता है, और उसके साथ बेटा हम लोग बहुत ही लड्डू चैप्टर्स, ठीक है, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही लड्डू चैप्टर्स, हलवा चैप्टर्स करने वाले हैं, जिसे बोलते हैं जैव विज्ञान, बहुलक और जो दैनिक जीवन में रसायन, ये 3 चैप्टर बहुत ही लड्डू है बेटा, ठीक है, आपको खाने में बड़ा मजा आएगा, मैं आपको टेस्ट कराऊंगा कैसा होता है, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको करने में। तो इस प्रकार से बच्चे हम लोग तत्वों के जो है निष्कर्षण से स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा जो है हेलो एल्केन हेलो एरीन जो बेटा यहां से लेकर जो पूरा दैनिक जीवन में रसायन तक के जो होता पोर्शन होता है वो होता है बेटा कार्बनिक रसायन, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल रहे होंगे। इस प्रकार से बच्चे हमारा जो एक स्ट्रेटजी होती है, अगर इन बच्चों को नहीं पता होगा, सारी बच्चों को, ठीक है बेटा, अगर किसी बच्चों को नहीं पता होगा कि प्रायोरिटी लिस्ट क्या होती है, क्या बेटा प्रायोरिटी लिस्ट, मतलब आपको जो है दिन में जब उठते हो तो उस दिन में आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, ऐसी प्रायोरिटी बन, दिन में उठे, ब्रश किया सर, खाना खा लिया सर, तो ये सारी जो प्रोसेस है, ये सारी चीजें आपको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग होती है, क्या जो प्रायोरिटी आपकी जो है प्रायिकता के अकॉर्डिंग होती है, प्रायिकता बड़े बड़े मतलब समझ जाए बच्चे, जो चीजें आपको पहले करनी है, क्या करनी बेटा, आपको स्टार टॉपिक मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा स्टार टॉपिक, ऐसे टॉपिक को बोलते हैं बेटा स्टार टॉपिक, ऐसे टॉपिक्स को बोलते हैं अपन जहां से हर साल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, क्या बोले बेटा, जहां से हर साल क्वेश्चन आ रहे होते हैं उसको स्टार टॉपिक बोलते हैं, ठीक है, उन स्टार टॉपिक को अपन को एटलीस्ट 2 से 3 बार जो है रिवाइज करना होगा, एटलीस्ट 2 से 3 बार अपन को पढ़ना है, ठीक है, और अपने कमांड को बहुत स्ट्रांग करना है, ठीक है बच्चे, तो अपन को कमांड जो है बहुत स्ट्रांग करना है वहां पे। दूसरा जो काम करेंगे बेटा हम लोग जो अपना हलवा चैप्टर्स, हलवा बहुत मीठा होता है ना, हलवा बहुत मीठा होता है, खाने में बड़ा मजा आता है, तो ऐसे चैप्टर्स हमारे केमिस्ट्री के अंदर है, तो उन हलवा चैप्टर्स को, ठीक है, अपन एकदम मजे से खाने वाले हैं, क्या करने वाले बेटा मजे से खाने वाला, आपको टेस्ट का एकदम आपको जो फील कराने वाला हूं कैसे हलवा चैप्टर्स होंगे, ठीक है बच्चे। तो हमारे हलवा चैप्टर्स को अपन जो यहां पे करने वाले हैं, उसके साथ ही साथ बेटा हमारे पास ऐसे दुख दर्द कष्ट पीड़ा
ये चीजों को बढ़ाने वाले चैप्टर्स भी हमारे केमिस्ट्री के अंदर। तो ऐसे करेले चैप्टर्स को, मेरे को करेला पसंद नहीं है भाई, ठीक है, कोई बच्चों को पसंद नहीं होगा, तो ऐसे करेले चैप्टर्स को, ठीक है, ऐसे करेले चैप्टर्स को भी हम हैंडल करने वाले, वो भी बहुत स्मूथ तरीके से, बहुत स्मूथ तरीके से। तो करेले चैप्टर्स बेटा, मैंने इसको कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर्स में जो डिफाइंड किए हुए हैं, पहला जो स्टार टॉपिक्स, स्टार जिससे हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे, उसे स्टार टॉपिक्स ओपन करने वाले हैं और उसको 2 से 3 बार रिवाइज करने वाले हैं बच्चे। दूसरा जो काम करेंगे हम यहाँ पे, जो हलवा चैप्टर जो हमारे होंगे, उन हलवा चैप्टर्स को अपन जो है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मस्त तरीके से बेटा खत्म करने वाले हैं। उसी तरीके से बच्चे हमारे जो करेला चैप्टर्स है उसको पूरा फोड़ देने वाले हैं। क्या करने हैं बेटा, डरना नहीं है, ठीक है, फोड़ देने वाले हैं अपन, फोड़ देने वाले हैं सारी चीजों को। समझ आई बच्चे? हमारे पास जो ऐसे कई बच्चे भी होंगे जिनको चीजें समझ नहीं आ रही होगी जैसे, ठीक है, वो सोचते तो जरूर है कि हम कुछ करें, हम कुछ कर ले, हमारा भी नाम जो है टॉपर्स की लिस्ट में आए, ठीक है। तो एक बात बोलना चाहूंगा बेटा, ध्यान से समझना, जब हमारी लाइफ जो है, हमारी जिंदगी जो है एकदम स्मूथ चल रही होती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, तब समझ जाना कि आपकी जो लाइफ है ना खराब होने वाली है। क्या होनी बेटा? खराब होने वाली, कोई दिक्कत होने वाली है, बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म पे दिक्कत होने वाली है। अभी नहीं होगा लेकिन लॉन्ग टर्म पे जो है दिक्कत देने वाली है, ठीक है। अगर कोई बच्चा, प्रॉब्लम बता रहा हूं, ठीक है, कोई बच्चा जो है बचपन में सोचता है, बचपन मतलब अभी जब स्थिति में आप हो, उस स्थिति में सोचता है किसी का जो दूसरे का पेपर में फोटो देख के, काश मेरा भी फोटो उस न्यूज़पेपर के अंदर आ रहा हो, काश मेरा भी फोटो यूट्यूब के अंदर आ जाए, काश मेरा भी कोई इंटरव्यू ले ले, तो उसके लिए बेटा आपको मेहनत करनी होती है, ठीक है। उसको आप 5 मिनट देख के, उसको 5 मिनट देख के भूल जाते हो, लेकिन आपके पास बाकी जो 23 घंटे 55 मिनट आपके पास जो होता है, वही आपका जो है लाइफ डिसाइड करता है कि आप क्या करने वाले हो। समझ में आई? वही जो 23 घंटे 55 मिनट जो है बेटा, वही डिसाइड करता है कि क्या करने वाले हो। लोग बहुत सी बातें बोलेंगे बेटा, ध्यान समझ, लोग बहुत सी बातें बोलेंगे, सक्सेस होना है स्मार्ट वर्क कर लो, लोग बहुत बोलते हैं स्मार्ट वर्क इज ग्रेटर देन हार्ड वर्क, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बना लो, शेड्यूल बना लो, मैनेज कर लो। तो बेटा बात याद रखना, ये सारी चीजें जो है टेम्पररी होती है। क्या होती है बेटा? टेम्पररी, ठीक है। इस चक्कर में ही पड़ना मत, याद रखना, सफलता की जो चाबी जो होती है ना बेटा, वो हार्डवर्क ही होती है, और जिसके अंदर जो है स्मार्टनेस होते हैं, याद रखना बेटा, सफलता की जो चाबी होती है ना वो स्मार्टवर्क ही होती है, और जिसके अंदर हार्डवर्क होता है, जो हार्डवर्क करता है, और उसी के अंदर बेटा स्मार्टनेस जो है जनरेट होती है। समझ में आई? ठीक है, तो आपको सिर्फ हार्डवर्क करना है, स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, पूरी टीम अभिप्सा की होगी, ठीक है बच्चे। तो आपको सिर्फ स्मार्ट वर्क पे ध्यान नहीं देना, आपको हार्डवर्क करना है, स्मार्ट हम बनाने वाले हैं आपको, ठीक है बच्चे। तो आपको ये बातें समझ आनी चाहिए। लोग बहुत सी बातें बोलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आप सुनिए और शांत रहिए, ठीक है। लोग बहुत सी बातें बोलेंगे, आपको सुनिए, शांत रहिए, ट्रिक बना लीजिए, ये कर लीजिए, बहुत सारी चीजें कर लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए, टाइम टेबल, ये सारी चीजें बाद की बात है बेटा। सबसे पहले अपने हार्डवर्क के ऊपर फोकस करना है आपको, ठीक है, समझिए। आप जो बिल्कुल शांत रह के योगी बनिए, एकदम योगी, शांत रहते हैं ना संत लोग जो रहते हैं, एकदम योगी बनिए, एकदम साइलेंट, एकदम काम, शांत। कोई पूछे आपको, कोई पूछे क्या हो रहा है भाई, सब ठीक है ना, तो बोले हाँ ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अगर आपको कोई बोले पागल हो गया क्या, कितना पढ़ रहा है, तो बोलना हाँ भाई पागल हो गया हूं, मारा डाल के बैठूंगा, ठीक है बच्चे, ऐसे बोलना है। अरे यार सिंपल सी बात है, शेर बनो यार शेर, ठीक है। शेर की जो दहाड़ होती है ना, उससे ज्यादा उसकी खामोशी का खौफ होता है, समझ रहे हो। जिस दिन आपका रिजल्ट आए, इतनी मेहनत कर दो, जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन आपके शहर, उसकी गांव में पूरा आपका डंका बजे, समझ रहे हो। तो अब बच्चे आप इतनी मेहनत करो, आपको जो है आपके पास जो 30 दिन बाकी है, उस 30 दिन के अंदर इतनी जी फार मेहनत करो बेटा कि आपका जो रिजल्ट ही गवाही दे दे कि आपने क्या किया 1 महीने के अंदर, ठीक है बच्चे। तो अब जो है वापस से मैं स्ट्रेटजी के ऊपर आता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। ये सारी बातें होती रहेगी, हर एक वीडियो में आपको बोलता रहूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है बच्चे। अब ध्यान समझना, प्रायोरिटी ऑर्डर की मैं बात करता हूं, प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है, हम कौन सा चैप्टर किस टाइम पे करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें बात करता हूं, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर जो होगा ना बेटा, उसको मैंने बहुत गलत तरीके से बताया है, कौन कौन सी चीजें हम करने वाले हैं, ध्यान समझना। जो डिफिकल्टी लेवल है आपके भलाई के लिए, सोचो ध्यान से, जो डिफिकल्टी लेवल है
कौन से चैप्टर कितना डिफिकल्ट होगा, जो कितना टाइम लगेगा, उसके रिफरेंस में एक ग्राफ बनाया है। मैथमेटिक्स वाले बच्चे सोच रहे होंगे क्या बना दिया सर, ध्यान समझना, जितना टाइम लगेगा कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है और कितना डिफिकल्ट है, इसके बीच में मैंने एक ग्राफ बनाया, उस ग्राफ के रिप्रेजेंट करिए बच्चे, ध्यान समझना। एक जो डब्बा बनाया ना, ये जो लाल वाला डब्बा बनाया, ध्यान समझना, ठीक है, कॉपी के अंदर इसको नोट भी करना, ठीक है, ये जो लाल डब्बा जो बना है, ये डब्बा हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको जो है इस चैप्टर के अंदर, इस डब्बे के अंदर जो चैप्टर आएंगे, इस चैप्टर के अंदर कुछ बहुत डिफिकल्टी होने वाली, बहुत तो नहीं बोलूंगा लेकिन डिफिकल्टी होगी, बच्चों को एक्चुअल में होती है, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है, तो डिफिकल्टी होने वाली रहती है और बच्चे इसके अंदर मेरे को टाइम भी कम लगता है, ठीक है, टाइम भी कम लगता है। अब यह जो ग्रीन वाला डब्बा बनेगा ना बेटा, ग्रीन वाले डब्बे के अंदर, इस डब्बे के अंदर हमको कम टाइम लगेगा और कम डिफिकल्टी होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये बात है सारे बच्चों को समझ। अब ये स्टार जो बना हुआ है सर, ये सितारा सा कुछ चमक रहा है, ये क्या है, तो इसके अंदर बेटे डिफिकल्टी तो जरूर है, लेकिन ऐसे स्टार टॉपिक, ऐसे सितारे वाले टॉपिक्स भी है जो आपको बहुत अच्छे नंबर दे सकते हैं, और इसके अंदर बेटा बहुत सितारे वाले टॉपिक्स है, ठीक है, समझ रहे बच्चे, तो इस तरीके से हम यहां पूरा स्टडी करने वाले। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर कहां कहां आ रहे होंगे बच्चे, ध्यान समझना। तो पहला जो कम टाइम लगने वाला है और जिसको डिफिकल्टी लेवल भी कम है, कम टाइम लग रहा है और जिसकी डिफिकल्टी लेवल भी कम है, ऐसे चैप्टर के बारे में मैं जान लेता हूं, तो बेटा ध्यान समझना, जो चैप्टर नंबर एक से चैप्टर नंबर पांच, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की ओवरऑल बात करूं, तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आपने एग्जाम के अंदर, आपके त्रैमासिक एग्जाम के अंदर, अर्धवार्षिक एग्जाम के अंदर, सारे एग्जाम के अंदर आपने बार बार पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसको इजी लेवल पे बात कर रहा हूं, तो बेटा ध्यान समझना, तो इजी लेवल जिसको कम टाइम लगेगा और जिसको जो है डिफिकल्टी लेवल भी कम है, तो उनको मैं जो है ठोस अवस्था, विलयन, ठीक है, वैद्युत रसायन, पृष्ठ रसायन और रासायनिक बल गतिकी, ये तो पांच चैप्टर उसको मैंने जो है कम टाइम लगेगा इसको करने में और इसकी डिफिकल्टी लेवल भी कम वाले जो है श्रेणी में रखा हुआ है। क्लियर है सारे बच्चों को, क्लियर है? अब देखो ध्यान से, जो ये ऊपर में कुछ दिख रहा है सर, ये क्या है, जो आपके चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और जो 9 है बेटा, ठीक है, 6, 7, 8 और 9 चैप्टर, ठीक है, ये जो चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये जो है थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन इजी भी है। क्या बात कर रहा है बेटा, थोड़ा सा टाइम तो लेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो लेगा लेकिन इजी भी है, इससे बहुत नंबर अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत गजब के क्वेश्चन आते हैं, आपको मक्खन कराने वाला हूं यहां पे मैं पूरा, ठीक है। तो ये ऐसे चैप्टर होंगे जिनको टाइम जो है थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इजी भी है करने में, ठीक है। तो ऐसे चैप्टर भी हम यहां पे जो है कैटेगराइज करें, क्लासिफाइड करें अलग अलग तरीके से। और जो रेड वाले की बात करूं बेटा, जो रेड वाले की मैं बात करूं, तो रेड वाले में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन आता है वो भी कुछ कुछ, कौन कौन से कुछ कुछ, कुछ कुछ होता है नहीं भाई, कुछ कुछ, ठीक है। तो कुछ कुछ की बात करूं तो एल्कोहल, फिनॉल, एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, ऐसे जो चैप्टर्स है बेटा, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, ठीक है, ये जो चैप्टर्स है इसको करने में हमको डिफिकल्टी तो थोड़ी डिफिकल्टी फेज होगी और साथ ही साथ बच्चे थोड़ा टाइम भी लगने वाला है, थोड़ा टाइम भी लगने वाला है। और साथ ही साथ बच्चे हम जो ऐसे स्टार टॉपिक की मैं बात करूं, ठीक है, ऐसे मक्खन, ऐसे मक्खन टॉपिक की मैं बात करूं, ठीक है, जो आपको बेटा बहुत ही नंबर जो है अच्छे नंबर देने वाले हैं, ध्यान समझना बेटा, मक्खन नंबर, ठीक है, हलवा चैप्टर जिसे मैं बोल रहा हूंगा, तो हलवा चैप्टर में बेटा जो ये चार जो क्वेश्चन आएंगे एमिन के अंदर से, ठीक है, चार नंबर के क्वेश्चन, बहुलक, धातुकर्म, जो धातुकर्म मैंने यहां पे भी लिखा है, यहां पे भी लिख दिया, ठीक है, आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो दैनिक जीवन में रसायन और जैव जैव अणु जिसे मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स बोल रहे होंगे, तो बायो मॉलिक्यूल्स, ये सारे जो चैप्टर्स है ना बेटा, ये आपके हलवा चैप्टर्स, क्या बेटा, ये सारे जो है हलवा चैप्टर्स है, हलवा, ठीक है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही ज्यादा नंबर देने वाले चैप्टर्स है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग ये पूरा जो स्ट्रेटजी यहां पे डिस्क्लोज कर दिया मैंने कि कौन कौन सी चीजें आपको क्या क्या करनी होगी। सबसे पहले बेटा आप लोग मेरे को बताइए, सबसे पहले आप लोग मेरे को ये बताइए कि आपको हलवा चैप्टर पहले करना है कि बाद में करेला चैप्टर करना है, कि पहले करेला करना है फिर हलवा करना है, ठीक है। तो आप मेरे को जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन से चैप्टर पहले हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से अपन बात कर रहे होंगे। अगर आपको जो है थोड़ी अभिप्सा के बारे में जानकारी दो बेटा, तो अभिप्सा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं, अभिप्सा के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो अभिप्सा के अंदर बेटा पीडीएफ में नोट्स मिलने वाले हैं, साथ ही साथ बच्चे माइंड मैप, वैकल्पिक अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, व्यक्तिगत मार्गदर्शन जिसे कैरियर गाइडेंस बोलते हैं, ठीक है, कैरियर गाइडेंस, और साथ ही साथ बेटा शंका क्लासेस, जो डाउट क्लासेस होती है ना आपकी, वो हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं। उसी तरीके से बच्चे अगर मैं जो है फैकल्टीज की बात करूं, जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज जो अलग अलग सब्जेक्ट लेने वाले हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है,
ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से हम जो है पूरी की पूरी टीम अभिप्सा जो है बच्चे आपके जो है सफलता की सीढ़ी बनने के लिए बहुत अच्छे से तैयार है। बस आपका सपोर्ट की जरूरत है कि आप जो है हमको कैसे सपोर्ट कर रहे होगे। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा यूट्यूब के अंदर पूरे जो है सारे सिलेबस, पूरे जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड के अंदर आते हैं वो सारे डालने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आप ये वीडियो क्या कीजिएगा, फैलाइएगा, अपने दोस्तों के बीच फैला दीजिए। ठीक है, पूरे अपने फैमिली मेंबर्स, आपके स्कूल के फ्रेंड्स, सारे बच्चों की ओर जो 10वीं और 12वीं में होंगे उन सारे बच्चों की ओर फैला दीजिएगा। और उनको ये इन्फॉर्म भी कीजिएगा कि अगर जो बच्चा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए कोई कोचिंग या फिर बात करें बेटा कोई जो है एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करेंगे बेटा, वो जो है प्ले गूगल प्ले स्टोर पे जाके अभिप्सा का ऐप होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ऐप जो है डाउनलोड कीजिएगा और वहां से हमारे वीडियो बेटा वो लोग देख सकते हैं। जो कि अगर किसी बच्चों को कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो बच्चे क्या करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक नंबर आ रहा होगा, उस नंबर को क्या करें बेटा कॉल करें और वहां से बेटा अच्छे तरीके से आप जो है पढ़ाई कर सकते हो, वहां से जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हमसे जो डायरेक्ट जो है बात कर पाओगे। ठीक है बच्चे, इस तरीके से हमें लास्ट में जाते जाते एक वर्ड बोलना चाहूंगा बेटा, ठीक है ध्यान से सुनना। ये सारी चीजें अपन कर रहे हैं ना, सारी चीजें अपन कर रहे हैं वो बहुत टेम्परेरी चीजें हैं। ठीक है, आप इसको एक महीने बाद तीन महीने बाद भूल जाओगे, समझ में नहीं आएगी, सब भूल जाओगे, लेकिन आपके अंदर बेटा वो जज्बा होना चाहिए, वो एटीट्यूड। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी बोला था आपके अंदर का वो एटीट्यूड, वो बॉडी लैंग्वेज ही डिसाइड करता है कि आपका गेम बदलने वालों में से हो या फिर खुद बदलने वालों में से हो। ठीक है, आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कुछ भी आ जाओ मैं नहीं रुकूंगा, नेवर गिव अप, एवर नेवर गिव अप। ठीक है बेटा, तो जाइए पढ़ाई कीजिए, जय हिंद, बाय बाय।